फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल जो है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। आर्टिकल की टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से है? आ और एन, दो है हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। एक है आ और एक है एन। तो आ जो है इसका मतलब है वन, मीन्स वन। इट ऑलवेज यूज्ड विद कॉमन नाउन, ये हमेशा आम जो चीजें हैं, आम जगह हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल नाउन, जो काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। आ जो है वो किसके साथ यूज होता है ये पता चल गया है, ठीक है। वर्ड्स विद फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, ऐसे अल्फाज जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, उसके साथ क्या यूज होगा? आ। यूज्ड विद द वर्ड्स विद फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, फॉर एग्जांपल बुक, इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है हमारे पास, तो इसके साथ आ यूज होगा, अ बुक, ठीक है। एन बुक नहीं हम कह सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एन है, ये भी इंडेफिनेट आर्टिकल है। यूज्ड वेयर नाउन हैज फर्स्ट वोवल लेटर, इसमें जो नाउन है वो हमारे पास है एग, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ई, तो ये क्या है हमारे पास? वोवल है। वोवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास पांच वोवल वर्ड्स हैं। इनमें से कोई भी, जब भी कोई नाउन यूज होगा, इनमें से कोई जिसका भी, उसका जो भी फर्स्ट लेटर इनमें से कोई भी होगा, तो उसके साथ क्या लगेगा? एन, ठीक है। एन एग, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला, ठीक है। सबकी एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी। एन अम्ब्रेला, जिसके भी जो भी नाउन होगा उसका जब फर्स्ट लेटर वोवल होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? जो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है, और ये हमारे पास एक ही है डेफिनेट आर्टिकल, द, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो किसी नाउन को क्या करता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है उसको क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। एंड दैट इज द कैट इज वाइट, ये नाउन जो है यहाँ पे वो है कैट, इसको स्पेसिफाई करने के लिए द लगा दिया है। द होली कुरान, ये बुक्स के साथ लगता है, माउंटेन्स के साथ भी, ठीक है, माउंटेन्स के नेम्स के साथ और रिवर्स के साथ, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजों के साथ जो है वो, किसी भी नाउन को, बस ये याद रखने, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? द डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम थोड़े कर रहे हैं, आपने साथ साथ देखना है कि इसमें क्या है। डैश डॉग इज अ पेट एनिमल, अब बताएं इसके साथ क्या लगेगा? आ लगेगा, एन लगेगा या फिर द लगेगा? इन तीनों में से आपने यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी है, और आपने कमेंट करके मुझे बताना है इनके आंसर्स, ठीक हो गया, ओके। साथ साथ मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। द डॉग इज अ पेट एनिमल, दो सेकंड के लिए आप सोचें इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या होगा? द डॉग, उसको स्पेसिफाई करना है हमने नाउन को। आई सॉ डैश एग, एग के साथ क्या लगेगा? इसके साथ सोच लें, ये क्या है? वोवल। नाउन जब वोवल के साथ स्टार्ट होगा तो क्या लगेगा? एन, ओके। नेक्स्ट, चिनाब डैश चिनाब इज फेमस रिवर, चिनाब रिवर की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल, उसको स्पेसिफाई करना है हमने, स्पेसिफाई करने के लिए उसके साथ क्या लगेगा? द। दिस इज डैश मोबाइल, सोच लिया, दिस इज अ मोबाइल। आई राइट डैश लेटर, जल्दी से सोच लें, कॉन्सोनेंट है ये, वोवल नहीं है, आ लगेगा, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा इतना ही था आर्टिकल का, हमने कर लिया है, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।
फर्दर हम बाकी डिटेल की बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। और अगर आपको कोई किसी भी इसमें से क्वेश्चन की या किसी चीज़ की समझ ना आई हो, एग्जांपल्स की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको मिलती हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।